खबर महाराष्ट्र गोंदिया से। सरपंच के पति द्वारा वयोवृद्ध को जान से मारने की धमकी देने वाले ओमकार नागपुरे पर कार्यवाही हेतु पुलिस ने शिकायत न्याय की मांग। गोंदिया जिले के रावणवाड़ी समीप चारगांव निवासी जुम्मनलाल पटले इनके घर की बाड़े बाजू जमीन पर गोदाम ओमकार नागपुरे के बनाकर बाजू की दीवार पूर्ण तरह टूट कर नुकसान होकर तंटा मुक्ति मीटिंग में भी न आकर वयोवृद्ध पटले को धक्का मारकर जान से मारने की धमकी दी तथा घर पर दबाव डालकर सरपंच ग्राम पंचायत का प्रयोग कर धमकी देने से रावणवाड़ी पुलिस ने शिकायत देकर तहसीलदार से भी न्याय मांग कर जो दीवार तोड़ी गई उसके नुकसान भरपाई की मांग जुम्मनलाल पटले ने की। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। मामला ये गोडाउन और ओजे पटले जी के मकान का है। ये ओमकार भैया के साथ में इनका वाद विवाद चल रहा है। इनने टंटा में भी रखे थे इनकी मीटिंग, तो मीटिंग में टंटा में भी नहीं आए वो, और इस टाइप का कार्यक्रम उनका दीवाल उनकी गिर गई थी, उस चक्कर में वो उनके घर पे गए। अच्छा। तो घर पे जाने के बाद में उनके साथ में अभद्र व्यवहार किए। अच्छा। और व्यवहार करने के बाद में बोले कि मैं दीवाल वगैरह बना के नहीं देता। अच्छा। इस टाइप के उनकी हरकत। तो टंटा मुक्ति है क्या हुआ? टंटा मुक्ति में भी वो आए नहीं। अच्छा, अभी क्या मांगे तुम्हारी? अभी वो दीवाल गिरी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये क्या नाम है तुम्हारा? जुगलाल रामचंद पटले। हाँ, क्या हुआ मामला? ये मामला ऐसा हुआ कि उसने हमारे दीवाल से चिपका के अपनी दीवाल बना के सब पानी गिरा दिया, और दूर की बात करता है चोर हो, ये शब्द उसके बड़े उत्पड़ांग शब्द निकलते हैं। और क्या बोलता है? धमकी देता है, वो सरपंच बन गया है तो पावर दिखा रहा है गांव में। कौन सरपंच है? सरपंच है अपने पूरे। अच्छा, उनकी घरवाली है। और तंटा मुक्ति में केस दिए थे क्या ये? हाँ, केस दिया था। फिर क्या हुआ फिर? हाँ, केस में उपस्थित नहीं हुआ वो। अच्छा, क्या मांग है तुम्हारी? हमारी मांग है कि भाई अपने पानी की व्यवस्था रख, तू अपना बर्बाद सुधार कर, की धमकी देता है वो। यहाँ पे बनी हुई कंपाउंड वाल बनी हुई थी पूरी। अच्छा। ये गोडाउन के पूरा पानी आने से पूरी हमारी दीवार गिर चुकी है, और इनकी जो लखड़ उखड़ जो भरन था वो भी हमारे पूरे प्लाट में आ चुका है। और हमारे पिताजी ये डोंगी लगाने के लिए उनके घर पे बातचीत करने गए थे कि बेटा ये डोंगी लगा दे, लेकिन पिताजी को वो उन्होंने सही बात न करते हुए उन्होंने गलत बात की, धमकी दी कि ए बूढ़े तेरे से क्या लड़ू, तू अपने बेटे भेज, और उल्टा सीधा गाली गलौज करके हमारे पिताजी को अपने घर से निकाल दी उनने। और हमने टंटा में जब डाले तो टंटा समिति में भी वो नहीं आए वहां पर समय पर, और उन्होंने उन्हें तारीख और मंगली अपनी, लेकिन वो समय पर नहीं आए। वो कल हमारी मीटिंग थी वहां पर वो नहीं आए, मौजूद नहीं हुए वो। और यहाँ